चार साल पहले ड्राइव शाफ्ट मैकेनिज्म का यूज करके मैंने ये आरसी ट्रक बनाई थी। लाखों लोगों ने इस सीरीज को देखा है एंड पसंद किया है, सो आई थॉट लेट्स मेक ए आरसी कार यूजिंग ड्राइव शाफ्ट मैकेनिज्म। सो लेट्स मेक इट। कार के व्हील्स बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ पीवीसी पाइप का। यहाँ पर मैंने 2-2 सेंटीमीटर पर मार्किंग लगा दी है एंड हैक्सो का यूज करके हम इन चारों पीसीस को कट करेंगे। तो चारों पीसीस को मैंने कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक पेन और इसके भी हमें चार पीस कर लेने हैं 2-2 सेंटीमीटर्स के। हमें बहुत सारी बैम्बू स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी इन व्हील्स के स्पोक्स बनाने के लिए। ड्रिल मशीन का यूज करके हम 60 डिग्री के एंगल पर 6 होल्स बनाएंगे हर पीवीसी पाइप के पीस में। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप शोल्डरिंग आयरन से भी होल बना सकते हैं या फिर किसी तार को गर्म करके होल बना लीजिएगा। इसमें मैंने 6 होल कर दिए हैं। इसी तरह से हमें बाकी के 3 पीसेस में भी होल कर देना है। तो सभी पीसेस में 6-6 होल हो चुके हैं। व्हील को असेंबल करने के लिए प्लाईवुड पर मैंने एक ड्रिल बिट को 90 डिग्री के एंगल पर लगाया है। अब हम एक पेन का पीस लेंगे एंड ड्रिल बिट के ऊपर इसे स्ट्रेटली लगा देंगे। देन हम लेंगे इस पीवीसी पाइप को एंड पीवीसी पाइप को भी यहाँ पर हम लगा देंगे। यह जो ड्रिल बिट है वो पीवीसी पाइप के एकदम सेंटर में आ रही है। अब हमें ज़रूरत है बैम्बू स्टिक की। हमने जो 6 होल बनाए थे उन 6 होलों में बारी बारी से हम एक एक बैम्बू स्टिक डालेंगे एंड सुपर ग्लू से हम इसे चिपकाते जाएंगे। सेंटर में हम सुपर ग्लू से सभी बैम्बू स्टिक को एकदम अच्छे से लगा देंगे एंड एक्स्ट्रा बैम्बू स्टिक को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद रेडी है हमारी रिम। इसके ऊपर हमें अभी रबर लगाना है, तब हमारा टायर कंप्लीट होगा। पीवीसी पाइप में से मैंने एक रिंग कट करी है ताकि ये बैम्बू स्टिक्स को एक जगह पर टिके रहने में मदद करे। इस रिंग को हम पैन के ऊपर लगाएंगे एंड सुपर ग्लू से इसे भी यहाँ पर चिपका देंगे। इतनी मशक्कत करने के बाद ब्यूटीफुल टायर का रिम रेडी हो चुका है। इसे बनाने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है। पुराने टायर की ट्यूब मैं ले आया हूँ, इसमें से हम स्ट्रिप्स कट करेंगे एंड इस रिम के ऊपर लगाएंगे। देन हमारे टायर के ऊपर अच्छे से एक रबर की कोटिंग हो जाएगी। 3 स्ट्रिप्स मैंने कट की है, एक एक करके हम इसे टायर के ऊपर लगाएंगे। रबर को चिपकाने के लिए मैं सुपर ग्लू का यूज कर रहा हूँ, आप रबर एडिसिव का भी यूज कर सकते हैं। सीजर का यूज करके हमें एक्सेस रबर को कट कर लेना है ताकि टायर एकदम परफेक्शन के साथ बने। सेम प्रोसेस फॉलो करके हम बाकी की दोनों स्ट्रिप्स को भी रिम के ऊपर लगाएंगे। ये व्हील इतना बढ़िया बना है कि इसे बनाने के बाद आप मार्केट के व्हील्स छोड़ ही दोगे। ऐसे मैंने 4 व्हील्स बनाए हैं। आप रेडीमेड व्हील्स का भी यूज कर सकते हैं, बट इसे बनाने की जो प्रोसेस है वो काफी सेटिस्फाइंग है। सो इट्स अप टू यू, रेडीमेड या होममेड। इतना डिटेल वर्क करने के लिए काफी प्रैक्टिस एंड पेशेंस चाहिए। If you are a beginner, you should start your DIY journey with DIY assembly kit like this. Can you believe ये किट मैंने सिर्फ 93 रुपीज में खरीदी है from aerocartindia.in. Let's assemble this. ये वीडियो देखकर आप भी इस रोबो कार किट को सिर्फ 5 मिनट में असेंबल कर सकते हैं। ये किट 93 रुपीज में कैसे खरीदे, लेट मी शो यू। जस्ट फॉलो 2 मिनट ऑनलाइन प्रोसेस, नो क्रेडिट कार्ड, नो हिडन चार्जेस। जस्ट पे 93 रुपीज एज ए डाउन पेमेंट एंड पे रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन 4 मंथ विथ 0% इंटरेस्ट। बाय एनी प्रोडक्ट विद दिस मेथड, विजिट aerocartindia.in, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
चेसिस बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ आइसक्रीम स्टिक्स का। इसके राउंड एंड्स को मैं कैची की मदद से कट कर लूंगा, तो सभी पीसेस को हमें फटाफट से कट कर लेना है। दो सौ सेकेंड की तपस्या करने के बाद ये कट हो चुका है। अब हम इसे सेट करके चेसी की फ्रेम बना लेंगे एंड सुपर ग्लू से हम इसे चिपका लेना है। तो कुछ इस तरह की फ्रेम मैंने बना ली है, बट ये काफी थिन है, इसके ऊपर कार का वेट नहीं रह पाएगा, तो हमें और आइसक्रीम स्टिक्स लगाकर इसे थोड़ा मोटा और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं। कुछ इस तरह की चेसी मैंने बना ली है। जरूरी नहीं कि आप भी सेम टू सेम ऐसी ही बनाएं, आप अपनी मर्जी से कुछ डिफरेंट डिजाइन भी बना सकते हैं, तो मैंने ये बनाई है। अब हम बनाएंगे इसकी फ्रंट एक्सल यानी कि इसका स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इसके लिए हमें दो आइसक्रीम स्टिक को साथ में लगाकर उसे भी हाफ में कट करके उन दोनों को भी साथ में लगा देना है, और साथ साथ में आइसक्रीम स्टिक को लगाकर कुछ इस तरह का एक सिंगल पीस हमें रेडी करना है। तो कुछ इस तरह का पीस मैंने रेडी कर लिया है। इसके साइड में हमें दो पॉइंट बनाने हैं और यहाँ पर हम करेंगे होल। होल करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इस ड्रिल मशीन का जो मैंने खुद बनाई थी, उसकी मेकिंग वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस पीस को हमें चेसी के आगे की साइड में लगाना है कुछ इस तरह से। तो इसे मैंने अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हैं इसके दोनों होल थोड़े बाहर की साइड में आने चाहिए। तो ये फिक्स हो चुका है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी वायर की, तो ये वायर मैंने ले लिया है। इसे हमें प्लायर की मदद से 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ना है, और ये बाहर की साइड मैंने 3 सेंटीमीटर का वायर छोड़ा है। यहाँ पर मैं एक रिफिल का पीस लगा रहा हूँ ताकि थोड़ी स्पेस छूट जाए, एंड इस तार को हमें इस होल में पास कर देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी पेन की रिफिल की। तो खाली पेन में से मैंने रिफिल निकाल ली है एंड 2 सेंटीमीटर के दो पीस हमें इसमें से कट कर लेने हैं। तो कट करने के बाद इन दोनों पीस को हम लगा देंगे इस तार के ऊपर कुछ इस तरह से, एंड देन उसके ऊपर भी हमें तार को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ देना है, एंड फिर से हमें इसे 90 डिग्री के एंगल पर भी मोड़ना है। सिमिलरली हमें दूसरे तार को भी ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद एक्स्ट्रा तार को हमें प्लायर से कट कर लेना है। कुछ इस तरह से हमारा स्टीयरिंग मैकेनिज्म वर्क करेगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सिंगल शाफ्ट गियर मोटर की। डबल शाफ्ट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे हमें आगे की साइड में यहाँ पर लगाना है। गियर मोटर को यहाँ पर फिक्स करने के बाद हमें ज़रूरत है स्पेसर्स की, जो मैंने वायर में से कट करके निकाले हैं। दो स्पेसर यहाँ पर लगाने के बाद मैंने आइसक्रीम स्टिक में से कुछ इस तरह का पीस रेडी कर लिया है। इसे हमें इन दोनों तार के ऊपर लगा देना है, और ये निकले नहीं उसके लिए उसके ऊपर एक और स्टॉपर हमें लगा देना है। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बन गया है। अब हॉट ग्लू का यूज करके इस गियर मोटर को यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ ताकि ये बाद में निकल ना जाए। देन हमें इसके ऊपर एक होल बनाना है ठीक इसी जगह पर। यहाँ पर होल बनाने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक हेयर पिन की। कुछ इस तरह की हेयर पिन हमें चाहिए, तो नीचे की साइड से मैंने इस हेयर पिन को ऊपर डाल दिया है एंड हॉट ग्लू का यूज करके मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। देन मैंने एक तार को मोड़ के कुछ इस तरह का लूप बना लिया है जिससे ये गियर मोटर के ऊपर फिक्स हो जाए। इस तार को हमें इस हेयर पिन के बीच में डालकर गियर मोटर के ऊपर फिक्स कर देना है, एंड सुपर ग्लू से इसे यहाँ पर फिक्स करने के बाद मैं थोड़ा हॉट ग्लू भी लगा देता हूँ ताकि ये स्लिप ना हो। तो ये अच्छे से लग चुका है। अब हमें यहाँ पर एक स्पेसर डालना है। स्पेसर डालने के बाद ये आ गया हमारा व्हील। व्हील को हमें इस तार के ऊपर लगा देना है,
एंड व्हील निकले नहीं, इसलिए हमें एक और स्टॉपर इसके ऊपर लगा देना है एंड सुपर ग्लू से इसे फिक्स कर देते हैं। सिमिलरली हमें दूसरी साइड भी व्हील्स को इसी तरह से लगाना है। दोनों व्हील काफी अच्छे से अलाइन हुए हैं तो कुछ इस तरह की हमारी फ्रंट एक्सल स्टीयरिंग मैकेनिज्म बन गया है। रियर एक्सल का गियर बॉक्स बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ पीवीसी पाइप का। यहाँ पर मैंने 3 होल करने के लिए मार्किंग कर दी है। राउंडर की मदद से हम होल कर लेते हैं ताकि ड्रिल बिट स्लिप ना हो। अब हम हैक्सो का यूज करके इस पीस को कट कर लेंगे। अब ड्रिल मशीन की मदद से हम इन होल्स को बड़ा कर लेंगे। तो इसमें होल्स हो चुके हैं, यहाँ पर हम एक्सल लगाएंगे। एक्सल के ऊपर हमें लगाना है ये क्राउन गियर। इसमें 30 टूथ्स है। क्राउन गियर में टूथ साइड में होते हैं तो ये वर्टिकल एक्सल से मोशन कैप्चर करके हॉरिजॉन्टल एक्सल को घुमा सकता है। कुछ इस तरह से हमें इसे एक्सल के ऊपर लगा देना है। यहाँ पर लग जाने के बाद हम लेंगे 2 पेन के पीस एंड यहाँ पर हम इसे फिक्स कर देंगे। देन मैंने एक गियर को इस तरह से इस एक्सल के ऊपर लगा दिया है। इस पीस को हमें तीसरे वाले होल में लगाकर सभी पेन के पीस को सुपर ग्लू से चिपका देना है। गियर बॉक्स अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर हम लगाएंगे पेट्रोलियम जेली ताकि फ्रिक्शन कम हो सके एंड इस गियर बॉक्स को हम पीवीसी सीट की मदद से बंद करके सुपर ग्लू से लगाएंगे। रेफ्रिजरेटर की दुकान से मैं ये कॉपर पाइप ले आया हूँ। इसमें हम थ्रू एंड थ्रू एक होल बनाएंगे। होल बनाने के बाद हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम लेंगे ग्राइंडर एंड ग्राइंडर की मदद से इस मार्किंग को हमें रफ कर लेना है। इस तरह से मैंने पाइप को कट कर लिया है। आप फाइल की मदद से भी रफ कर सकते हैं। ऐसे 2 पीस बनाने के बाद हमें चाहिए 2 नेल एंड धागे की मदद से हम नेल्स को क्रॉस में रखेंगे एंड बहुत सारा धागा लपेट कर इन दोनों नेल्स को साथ में बांध लेंगे। धागे के ऊपर हम सुपर ग्लू लगाएंगे, देन ये धागा एकदम पत्थर की तरह कड़क हो जाएगा। बहुत सारा सुपर ग्लू लगाकर हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। सूख जाने के बाद हम प्लायर की मदद से इस नेल्स के एक्सेस पार्ट को कट करेंगे। इस तरह का पीस हमें रेडी कर लेना है। देन हम लेंगे कॉपर पाइप एंड इस पीस को हम इस होल के बीच में लगा देंगे। सिमिलरली हम दूसरे पीस को भी इस पीस के ऊपर लगा देंगे एंड हमारा यूनिवर्सल जॉइंट रेडी है काम करने के लिए। अब मैंने ले लिया है ये गियर। ये है 56 टूथ्स का गियर। हम स्क्रू की मदद से इसे चैसी के एकदम सेंटर में लगाएंगे। मेक श्योर गियर फ्रीली घूम रहा है। अब हम लेंगे यूनिवर्सल जॉइंट एंड गियर के ऊपर इसे अच्छे से दबाकर फिक्स करेंगे एंड सुपर ग्लू से इसे यहाँ पर चिपकाएंगे। चेसी को मैंने पीछे से कट कर लिया है एंड इसमें से मैंने 2 पीसेस कट किए हैं। इसे हम पीछे की साइड में सुपर ग्लू से लगाएंगे। यहाँ पर मैंने छोटा होल किया था, उसमें हम एक एक जिप टाई डाल देंगे। देन हम लेंगे हमारा डिफरेंशियल। इसकी ड्राइवर शाफ्ट को मैंने यूनिवर्सल जॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड जिप टाई से हम यहाँ पर इसे लॉक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा टाई को कट करें। चेसी को मैंने आइसक्रीम स्टिक लगाकर फिर से कंप्लीट कर दिया है। हमारे व्हील्स आ गए हैं। हम इसे लगाएंगे डिफरेंशियल की एक्सल के ऊपर। ड्राइव शाफ्ट को रोटेट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ N20 गियर लेस मोटर का। हॉट ग्लू का यूज करके हम इस N20 गियर मोटर को ड्राइव शाफ्ट के गियर के साथ कनेक्ट करेंगे एंड जिप टाई से हम इस मोटर को फिक्स कर देंगे ताकि ये गियर लूज ना हो। बैटरी की मदद से हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो ये इजीली कार को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ले जा रहा है। ये है वायरलेस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। आप इसे पुरानी टॉय कार में से निकाल सकते हैं या फिर आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। Recently, I bought this 9-in-1 soldering iron kit from macart.com. It comes with this professional carry bag and इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो शोल्डरिंग के लिए एक आदमी को जरूरत पड़ती है। शोल्डरिंग आयरन को बाहर निकालते हैं एंड जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये है 90 वोट का शोल्डरिंग आयरन विद पॉइंटेड टिप। इसको प्लग इन करते ही ये 15 सेकंड में गर्म हो जाता है। यहाँ से आप इसके टेम्परेचर को 180 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक कम ज्यादा कर सकते हैं।
ये आता है स्टेनलेस स्टील के स्टैंड के साथ एंड ये सब चीज भी इसी के साथ आती है एंड ऑब्वियसली मल्टीमीटर भी आता है। इस प्रोफेशनल सोल्डरिंग आयरन किट को आप MECCART.com से खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में है। वैसे तो इस ट्रांसमीटर के ऊपर ऑलरेडी स्विच लगी हुई है, बट मुझे बड़ी स्विच लगानी है तो इस स्विच के जो भी पॉइंट है वहां पर से मैं एक्स्ट्रा वायर सोल्डरिंग करके थोड़ा लंबा वायर लगा देता हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा वायर इसमें लगा दिया है। देन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ DP/DT स्विच का। इसके टर्मिनल्स मैंने कुछ इस तरह से शॉर्ट कर दिया है तो ये अब एक ऑन ऑफ ऑन स्विच की तरह काम करेगी। एंड PVC शीट में से मैंने कुछ इस तरह का पीस कट कर लिया है रिमोट की बॉडी बनाने के लिए। दोनों स्विच को हम इस होल के अंदर लगा देंगे। इस तरह से हम कार को कंट्रोल करेंगे। राइट नाउ हमें इसे ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इस ट्रांसमीटर सर्किट को यहाँ पर लगाकर मैं सभी वायर्स को स्विच के साथ शोल्डरिंग कर लेता हूँ। हॉट ग्लू से इस ट्रांसमीटर को यहाँ पर चिपका देता हूँ ताकि ये निकल ना जाए। सभी वायर्स को मैंने अच्छे से लगा दिया है। मैंने खराब स्विच को तोड़कर उसमें से कुछ इस तरह का पीस निकाल दिया है एंड यहाँ पर हम इसे लगाना है सुपर ग्लू से। इस चार्जिंग मॉड्यूल को हमें बैटरी होल्डर की पीछे की साइड में हॉट ग्लू से लगा देना है एंड देन बैटरी होल्डर में से हमें प्लस और माइनस एक्स्ट्रा वायर निकालकर इस चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा बैटरी चार्जर रेडी हो गया है। इस बैटरी चार्जर को हमें रिमोट के अंदर ही फिक्स करना है। तो हमारा रिमोट अब रिमोट भी है एंड बैटरी चार्जर भी है, तो इसी से हम कार की बैटरीज भी चार्ज करेंगे। एक ऑन ऑफ स्विच को हम कनेक्ट करके इसके नीचे की साइड में लगा देंगे। नीचे की साइड में लगा देने के बाद हमें इसे बॉक्स की तरह कुछ बनाना पड़ेगा, बट उससे पहले हम यहाँ पर लगा देंगे एंटीना। जो हमने स्विच में से स्क्रू निकाला था वहीं पर इसे लगा देना है। देन इसे बंद करने के लिए मैंने PVC शीट में से कुछ इस तरह के पीसेस कट किया है। इसे हमें बॉक्स की तरह बना देना है। तो इस पीस को लगाने के बाद ये डब्बा बन गया है एंड हमारा रिमोट है रेडी। तो चलिए अब हम इसमें लगाते हैं सेल। तो कुछ इस तरह का बढ़िया रिमोट बन गया है, कार चलाने में मजा आने वाला है। तो चलिए फटाफट इसमें हम बैटरीज लगाते हैं एंड करते हैं एंजॉय। रिसीवर को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने मोबाइल की बैटरी का यूज किया है, एक ऑन ऑफ स्विच एंड बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग मॉड्यूल। आउटपुट वायर को हम मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। एंटीना के लिए मैं एक मोटे तार का यूज कर रहा हूँ। इन सभी चीज को मैं कार के नीचे लगा रहा हूँ ताकि दिखे नहीं एंड ऊपर की साइड में मैंने एंटीना को खड़ा कर दिया है। अब हमारी कार रेडी है चलने के लिए, तो चलिए टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं। कार अभी थोड़ी स्लो एंड डिम चल रही है बिकॉज बैटरी थोड़ी लो है, तो बैटरी को हम रख देते हैं चार्जिंग में। यहाँ से हम इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, तो थोड़ी देर चार्ज हो जाने देते हैं। इस रेड लाइट को ब्लू होने तक हमें इसे चार्ज करना है।
प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, क्योंकि अब नए नए वीडियोस आते रहेंगे। बी क्रिएटिव, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।